करना इतना सरल हो गया है जैसे खुली हवा में सांस लेना। इसी विचार के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे लेसन में हम चर्चा करेंगे, क्या चुनने की स्वतंत्रता हमें पाप की ओर लेके जाती है या हम कोई और भी रास्ता चुनने के काबिल हैं? तो आइए जानते हैं इन कुछ ही सवालों के जवाब। आज हमारा डिस्कशन या हमारी चर्चा रहेगी पश्चाताप पर और स्वतंत्र चुनाव पर, तो आप भी इसका लुफ्त उठाइए। हम चाहेंगे इस पर डिस्कस करें, प्रभु ने आदम को बनाया, अपने हाथ से रचा और उसको स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता दी, तू इसका फल खा या मत खा, मतलब ये पावर ऑफ चॉइस उसको दी। तो ये स्वतंत्रता, चुनने की जो स्वतंत्रता है, क्या जरूरी थी? जरूरी थी, क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। जब आप किसी से प्यार करते तो उसमें फ्रीडम होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। प्यार करते हैं तो प्यार में फ्रीडम होती है। और मैं सोचता हूँ सर कि बिना स्वतंत्रता का प्यार वो प्यार नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्यार नहीं। लेकिन जब प्रभु को मालूम, चूंकि वो ईश्वर है, उसको तो मालूम था कि ये पाप कर बैठेगा, ये फल खा बैठेगा, तो फिर इस तरीके की वहां पर क्यों वो चीज रखी गई, उस पेड़ को क्यों रखा गया? सर, एक जब पेन बनाने वाला को पता होता है कि ये पेन कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बनाता है क्योंकि उसको पता है ये खराब हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ दिन तक यूज करता है। तो मतलब वो ये जानते हुए कि वो पाप करेगा, प्रभु ने उसको बनाया, लेकिन उसके लिए कोई प्लान ऑफ सल्वेशन, जो उधार का प्लान है, उसके लिए वो भी बनाया कि तुम गिरोगे लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। देखिए, ये चीज है, इसको हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, जाके इसको सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि प्रभु ने पावर ऑफ चॉइस दी, स्वतंत्रता दी चुनने के लिए, और स्वतंत्रता चुनने के लिए दी और उस पेड़ को वहां पे नहीं रखता या कोई हुक्म नहीं देता, तो वो स्वतंत्रता किस काम की थी? वो पेड़ ही स्वतंत्रता को दिखा रहा है। एक ही चीज थी जहां पर उसका टेस्ट था, उसकी पावर ऑफ चॉइस का जो टेस्ट था या स्वतंत्रता का जो टेस्ट था, चुनने की स्वतंत्रता का जो टेस्ट था, वो पेड़ था जो उसने बागे अदन में बीच में रखा और कहा कि ये तू मत खाना। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा एक सवाल है, हाँ, कि खुदा को पहले से पता होगा कि वो पेड़ का फल खाएंगे या नहीं खाएंगे। हाँ, और हम देखते हैं कि हम सुन रहे हैं कि उनके पास फ्री विल थी डिसाइड करने की कि वो करें या ना करें। तो अगर खुदा को पता ही था पहले, मैं ये नहीं, मेरा सवाल ये नहीं कि वो पेड़ वहां क्यों लगाया खुदा ने जब उसको पता था, मेरा ये सवाल है कि अगर खुदा को पता ही था कि वो ये काम करेंगे तो उनके पास फ्री विल कहाँ से है? वो तो उसको मालूम ही है कि वो करेंगे, वो जानता ही है पहले से कि वो ये रास्ता नहीं लेके ये रास्ता चुनेंगे, तो वो दूसरा रास्ता दिया ही क्यों? देखिए, अच्छा है तुम्हारा सवाल और इसको अपन पॉन्डर करें इस चीज को कि खुदा ने क्यों वो, जिसको हमने पहले भी, मैंने ये वर्ड थियोडेसी का इस्तेमाल किया है कि एक खुदा जो जानता था कि पाप आ सकता है, तो भी उसने उसको पावर ऑफ चॉइस दी और उसको अलाउ किया। देखिए, आप किसी भी मोहब्बत में, किसी भी प्यार में, अगर न आपने ने पावर ऑफ चॉइस नहीं दी है, स्वतंत्रता नहीं दी है चुनने की, तो मैं नहीं सोचता वो प्यार प्यार है। प्यार का एक अहम हिस्सा स्वतंत्रता है। तो लनी साहब, आप हैं, आप अपने वाइफ के साथ सोते हैं, अब मैं उनसे पूछ सकता था लेकिन वो चूंकि नहीं है, उनके कभी दिमाग में ही आता कि आधी रात को ही उठ के मेरा गला घोंट देगा? कभी नहीं, नहीं।
क्यों नहीं आना? बिकॉज वो जानती है कि मुझसे प्रेम करते हैं आप प्रेम करते हैं, इसलिए उनको ये ख्याल ही दिमाग में नहीं आएगा कि ये शख्स आधी रात को उठ के मेरा गला घोंट देगा। तो प्यार में वो स्वतंत्रता है, वो फ्री है, वो दिमाग फ्री है, ठीक है कि नहीं? अब अगर हमारे को प्यार में स्वतंत्रता है अच्छे काम करने की, तो प्यार में स्वतंत्रता है बुरे काम करने की। आदम ने चूज किया बुरा काम करना, हुकुम अधूली बुरा काम हुआ, हुकुम का मान नहीं मानना बुरा काम हुआ, तो उसने वो चुन लिया। सर उसने बुरा ही क्यों चुना? वो तो ये खुदा के साथ रोज मिलता था, बातचीत करता था, उनको जानता था, फिर उन्होंने बुरा ही क्यों चुना? देखिए उसको जो बरगलाया गया जिस तरीके से, पहली बात तो उस समय जब हवा को उसने बरगलाया, अकेली थी हवा और उसने हवा को बरगलाया और उसने वो तोड़ के खा लिया, जब वो गुनाह कर बैठी हवा, तो आदम उसको इतना प्यार करने लगा था कि उसने सोचा अब ये मर रही है इसके साथ। मैं सोचा होगा नहीं सोचा होगा, लेकिन उसने कहा मैं भी खा लेता हूं, हालांकि वो मना कर सकता था। हमेशा आदमी लोग ये कहते हैं कि भाई हवा नहीं होती तो शायद गुनाह नहीं होता, पर ऐसी बात नहीं है। उसके गुनाह में, उसके पाप में आदम बराबर से शरीक हुआ हुआ है, क्योंकि उसने अपनी चॉइस को, अपनी पावर को इस्तेमाल किया। वो मना कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो मैं चाहूंगा हम एक आयत पढ़े, व्यवस्था विवरण के 5 चैप्टर है। कहानी इस तरीके से है कि मूसा लिख रहा है कि तुम्हारे पुरखों को जब निकाल के लेकर आया परमेश्वर वहां से, और तुम्हारे पुरखों ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी और तुम्हारे पुरखों ने उसको आग में से परमेश्वर को बोलते हुए सुना, उसकी गर्जन जैसी आवाज को सुना, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि परमेश्वर तुझसे बात करे हमसे नहीं, वरना हम क्या होंगे, मर जाएंगे। मतलब वो इतना डर गए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और आके इसी वर्ष से हम शुरू करेंगे। तो दर्शकों हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो सुमन से कहूंगा जो उन्होंने आखिरी आयत पढ़ी है हमारे सामने एक दफे फिर से पढ़ दें। व्यवस्था विवरण 5:28-29। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए। देखिए इस पर मैं चाहूंगा गौर करें, भला होता उनका मन इसी तरह से सदैव बना रहे। परमेश्वर कह रहा है, क्यों कह रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आगे जाके ये क्या करेंगे, गुनाह करेंगे, ये गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, कि ये जैसे ही यर्दन को क्रॉस करेंगे ये आगे जाकर उन्हीं लोगों की तरह मूर्तियां बनाएंगे और उन्हें पूजना शुरू करेंगे। परमेश्वर को मालूम था। सर एक क्वेश्चन है, जब खुदा को पता था कि आदम गुनाह करेगा, तो क्या वो उसकी रेमेडी पहले से नहीं सोच सकते थे कि ना करे? He was the most beautiful creature God had created amongst all his creatures. सबसे खूबसूरत फरिश्ता था, हैं? और 24 घंटे खुदा के तख्त के पास जो पवित्र स्थान है वहां खड़ा रहता था। उसने कैसे गुनाह कर लिया, उसने कैसे पाप कर लिया? ये तो परमेश्वर के प्रेम की खूबसूरती है, यही उसके प्रेम की परिपूर्णता है। उसका प्रेम कंप्लीट है, परफेक्ट है, कि वो अपने प्रेम में आपको बांध के नहीं रखता, आपको चॉइस देता है। तुम अपने दिल से मुझे सर्व करना मांगते हो, मुझसे प्रेम करना मांगते हो तो करो, वरना
अब उसने अगर मान लो पाप किया, और नहीं सिर्फ उसने किया, उसने अपने विचार एक तिहाई फरिश्तों में डाल दिए और वो फरिश्ते भी परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए, तो क्या परमेश्वर ने उनको मार दिया कि अब चूंकि तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं? परमेश्वर के यूनिवर्स में जहां पाप नहीं था वहां पाप आ गया। अब परमेश्वर को लूसीफर का खात्मा नहीं करना है, खात्मा किसका करना है? पाप का करना है। सी गॉड इज अगेंस्ट सिन, नॉट द सिनर, नॉट द सिनर। लूसीफर को भी वो उतना ही प्यार करता था जितना आपको मेरे को आज कर रहा है, उसको भी, उनको भी उसने उतना ही प्रोबेशन दिया, रहमत दी कि वो तौबा कर ले, उसने नहीं करी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और मैं सोचता हूँ सर अगर वो स्वीकार कर लेता पाप को, शैतान यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने से पहले, तो क्या होता? अब क्या होता इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता, लेकिन प्रभु उसका कोई ना कोई रास्ता निकालते। पर ये नहीं होता कि प्रभु वो मरना अपना कैंसिल कर देते, क्योंकि पाप आ गया था। जो निवारण करना है वो पाप का निवारण करना है, सॉल्यूशन तो पाप का देखना है। पाप इज करप्ट। प्रभु मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मेरे पाप से प्यार नहीं करते। ठीक है, हर पापी से वो प्यार करते हैं, पर पापी के प्यार से पाप से वो प्यार नहीं करते। तो वो पाप में से हमें निकालना मानते हैं। ये चीज को हम सोचें, और वो चाहे अगर आदम और हवा पाप नहीं करते, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं पाप करते वो, अगर लूसीफर और उसके फरिश्ते ही पापी रहते तो क्या प्रभु उनके लिए कोई इंतजाम नहीं करते? शायद उनके लिए भी इंतजाम करते कुछ ना कुछ नजात का, कि वो रिपेंट करें और लौट कर आए। हमारा आज का टॉपिक ही यही है। मैं चाहूंगा पांचवी आयत की हम 30-31 आयत पढ़े। तो लानी साहब, हाँ, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, हाँ, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, हाँ, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ, और उसकी मानना, हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा, हाँ, और न नष्ट करेगा। देखिए तुम्हारा परमेश्वर, परमेश्वर आगे से बोल रहा है, जब तुम मुझको नहीं मानोगे, दूसरे देवी देवताओं की जब तुम पूजा करोगे, और जब तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आएंगी, तुम परेशान होगे, तब लौट के मेरे पास आ जाना। क्या कह रहा है? तुम्हारा परमेश्वर क्या है? दयालु ईश्वर, दयालु ईश्वर है। बड़ी खूबसूरत चीज है। देखें, कोई परमेश्वर ऐसे कहता है कि मैं दयालु हूं, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें माफ करूंगा, न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, न तुम्हें नष्ट करूंगा नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। और वो भी गुनाह करने के बाद वापस बुला रहा है, वापस बुला रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पापों से क्षमा मांगे, अपने पापों को छोड़ें, और वो प्यार में ही हो सकता है। बिल्कुल, बगैर प्यार के नहीं हो सकता। वो मोहब्बत जो उसने करी इंसान से, उसी के अंदर प्यार में ये हो सकता है कि पश्चाताप हो सकता है, और पश्चाताप से मैं चाहूंगा अगर हम व्यवस्था विवरण 30 बार की पहली चार आयतें आप पढ़ें मोंटू। फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैं तुझको कह सुनाई है, हाँ, पर इस पर घटे, हाँ, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर, हाँ, जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, हाँ, इन बातों को स्मरण करे, हाँ, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने, तब परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके उस सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह
बहुत से तितर बितर कर देगा कि इकट्ठा करेंगे, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाए तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से लेकर इकट्ठा करेगा। अब देखिए ये इज़राइल के लिए कह रहा है कि तुम अगर पाप करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, दूर दूर देशों के अंदर तुम्हारे को बंधुआई में डाल दूंगा, मतलब एज स्लेव्स यू विल बी टेकन अवे। और हुआ भी, नबूकदनज़र इनको लेके गया और स्लेव बनाया, 70 साल उस वहाँ बेबीलोन की गुलामी में रहे और वहीं नहीं दूसरे देशों में रहे, लेकिन वहां से वापस वो लेकर आया और परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको क्या दूंगा, फिर आशीषित करूंगा, फिर तुमको एस्टैब्लिश करूंगा, फिर तुम अपने अपने खेत जोतोगे और अपने फसलें उगाओगे और फिर खाओगे, मतलब फिर वही आशीष देने का उनसे वायदा कर रहा है। सर जैसे आपने कहा कि परमेश्वर पापियों से नहीं बल्कि पाप से नफरत करते हैं, तो क्या अगर मेरे अंदर में पाप है, मेरे अंदर पाप है, क्या उस वक्त खुदा मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि मेरे अंदर में पाप है। एग्जाम्पल के लिए सर है कि एप्पल जब सड़ जाता है तो हम उस एप्पल को फेंक देते हैं, उसको काट के नहीं खाते कि आधा रख लो आधा। परमेश्वर हमसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा सड़े हुए फल को आप खाओगे या उसको फेंक दोगे, सही है, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। बिल्कुल सही, वो हमारे पापों को जैसा कि वचन में लिखा है उद्यांचल से अस्तांचल तक दूर करेगा और उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक देगा जहां से वो लौट के नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो प्रेम है, क्षमा है, वो हमारे पापों को उनसे दूर करके हमें क्षमा करता है और हमें रिस्टोर करता है, और पापों से ही फेंकता ही नहीं है पापों को, बल्कि वो हमारे जो पत्थर वाले हृदय है परमेश्वर उसको भी बदल के मांस वाला हृदय। देखिए उसी में हम आज की जो चर्चा का विषय है और हम अपने आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, पश्चाताप। पश्चाताप किस चीज को कहते हैं? जब हम गुनाह करते हैं और हम उसको रियलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत गए हैं, और जब हम इस चीज का रियलाइज होता है और वापस परमेश्वर के पास जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं अपने हृदय से। आप तो एक ही तरफ चल रहे हैं, मैं तो दूसरी तरह क्या कह रहा हूं, मैंने मान लीजिए आपका खून कर दिया जी, मैं पकड़ा गया, पुलिस ले गई, जेल में डाल दिया, कोर्ट ने मुझे कंडेम कर दिया कि इसने खून किया है, इसको फांसी दे दीजिए जी, मेरे दिल में पश्चाताप है, मैं बहुत रो रहा हूँ, अपने बाल खींच रहा हूँ, खैर मेरे तो बाल है नहीं लेकिन जो भी है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो पश्चाताप है जी जी जी। आपने यहाँ पाप किया तो यहाँ के कानून संविधान के हिसाब से आपको यहाँ जो भी सजा मिलती है आप उसको पूरा करेंगे, लेकिन जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ने जो है सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों को अपने पवित्र लहू से उनके पापों को क्षमा किया, उनको खरीद लिया है और अनंत जीवन का वादा। तो आपके हिसाब से पाप सच्चे मन से भी होता है और झूठे मन से भी होता है, मतलब नहीं भी होता है। पश्चाताप का मतलब यह है कि पाप को मान के, पाप को मान के उसको छोड़ दे, वो सच्चा पश्चाताप नहीं, जो जो हमने गलत काम करा है उसका कॉन्सिक्वेंस तो हमें बेयर करना पड़ेगा, किसी का खून करा उससे रिपेंटेंस का कोई लेना देना नहीं है। देयर यू आर, नहीं नहीं रिपेंटेंस का है। देखिए क्या है, पश्चाताप भी दो तरीके के हैं, एक तो ये कि जो मैंने गलती करी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मैं सामने देख रहा हूं, उसके परिणाम को सामने देख रहा हूं कि मैंने खून किया, अब मुझे या तो जिंदगी भर जेल में जाना है या फांसी के फंदे पे मुझे चढ़ना है, वो परिणाम के फल को देख के मेरे में पश्चाताप है जी। तो वो पश्चाताप नहीं है, वो तो मैं परिणाम से डर रहा हूं, डर है वो। पश्चाताप तो वो है कि चाहे मुझे जेल जा होए या चाहे मुझे फांसी का फंदा लगे, पश्चाताप तो वो है कि मैं मेरे दिल में दुखी हूं कि मैंने ये क्या कर बैठा, मैं अपने भाई का खून कर बैठा,
ये पश्चाताप है। और फिर उस गुनाह की तरफ ना जाए, बार बार वो गुनाह ना करे। हाँ, वो तो चलिए वो तो हो नहीं सकता, एक दफे जब आपका खून कर दिया तो आप दोबारा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसे भी पाप हैं जो हम बार बार करते हैं, हम पाप हैं जो बार बार करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पाप की गुलामी से निकालना मांगता हूं। वो हमारे को जो पाप की गुलामी क्या, जिस पाप के अंदर जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं उसका गुलाम हूं जी। और इसी चीज को हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इतनी सामर्थ तुमको दूंगा कि तुम पाप की गुलामी से बाहर आ सकते हो, आ जाओगे। सर एक बहुत छोटा सवाल है कि यीशु मसीह हमें पाप से बचाएंगे या पाप में से बचाएंगे या पाप में बचाएंगे? देखिए प्रभु कभी भी हमें पाप में नहीं बचाता, पाप से बचाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। पाप अगर वो पाप में, मैं पाप करता चला जाऊं और फिर भी वो मुझे बचा ले, इसका तो मतलब ये हो गया कि वो मुझसे पाप करा रहा है, ठीक है कि नहीं। मैं द मोमेंट मरियम मगदलीनी को जब उसने माफ किया, वो जिनाकारी में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, तो सब लोग उसको छोड़ गए। प्रभु ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे से, वो पत्थर मार के उसे मारना मांगते थे, तो वो छोड़ के सब चले गए क्योंकि सब पापी थे। तो प्रभु ने उससे पूछा कहाँ गए, उन्होंने तुझको दोषी नहीं ठहराया, मतलब कंडेम नहीं किया? तो प्रभु ने मरियम बोली नहीं, किसी ने मुझको कंडेम नहीं किया या दोषी नहीं ठहराया। प्रभु कहते हैं मैं भी तुझको दोषी नहीं ठहराता हूं, जा लेकिन फिर पाप मत करना, दोबारा पाप, मैं तुझे दोषी नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन तू दोबारा पाप मत करना। लेकिन वो फिर गई और फिर पाप करना शुरू कर दिया, जो बिजनेस वो करती थी वो बिजनेस फिर शुरू कर दिया। तो क्या सर उनको माफी मिलेगी क्योंकि वो बार बार कर रही थी? नहीं, पर अल्टीमेटली उसने छोड़ा, सात दफे वो माफ करी गई, 7 times अगेन। अल्टीमेटली जब वो बैथनी में बैठे हुए थे ना, वो साइमन लेपर के घर के अंदर, उसने इत्र और पानी, इत्र और उससे वो लेकर आई, आंसुओं से बालों से, वो फाइनल उसका रिपेंटेंस था। दैट इज द रिपेंटेंस गॉड वांट्स इन अस, ट्रू रिपेंटेंस कि हम वाकई में अपने गुनाहों से, पापों से उनको छोड़कर, उनके लिए दुखी होकर उनका पश्चाताप करें। और पश्चाताप का मतलब एक यू टर्न। अगर वो यू टर्न हम नहीं ले पाते हैं तो हम हमारे पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे होते। तो सर हम इजरायलियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनके सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए खुदा ने, फिर भी उन्होंने अपने हार्ट को, अपने हृदय को चेंज नहीं किया, इतने हठीले हो गए थे। देखिए हाँ वो पश्चाताप करते थे, जब उनके ऊपर मुसीबतें आती थी पश्चाताप करते थे, जैसे वो मुसीबतें जाती थी वो अपने रास्ते पे निकलते हैं। ये चीज तो आज भी हम में, हम भी ऐसे ही करते हैं, जब कोई मुसीबत में होते हैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा बहुत ईज जैसे ही अपने आप को महसूस करते हैं, कोई ना कोई गुनाह करना कर बैठते हैं, पाप करना। पर जितने भी लोग मिश्र से निकले थे और वो जो बार बार गुनाह में पड़ते थे, वो कनाने मुल्क में नहीं पहुंच पाए, केवल 2 व्यक्ति पहुंच पाए थे, बाकी सब जंगल में और मार्ग में नष्ट हो गए थे। नहीं ये तो बात है, जब मिश्र देश में वो पहुंच गए और उनकी जनरेशंस वहां रह रही थी तब भी पाप कर रहे थे वो जी। तो परेशानी यही है। अब देखें हम खत्म करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो गया। मती 3 पढ़ेंगे आप, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, हाँ, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़ा
का कटिबंध बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था, तब यरूशलम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहुन्ना कह रहा है कि तुम अपने पापों को का इकरार करो और पश्चाताप करो। बपतिस्मा का तो खैर रसम पहले भी थी, इज़राइल में एग्जिस्ट कर रही थी, ये कोई नई चीज लेकर नहीं आया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप के लिए कॉल किया कि अपने गुनाहों की माफी मांगो, पापों की माफी मांगो और अपने दिलों को फिराओ। देखिए, जब तक कि हम अपने पापों को छोड़कर और एक नई जिंदगी लीड नहीं करते हैं, तब तक हम पापों में फंसे हुए हैं, उसकी गुलामी में फंसे हुए हैं। मसीह कहता है कि मैं तुमको ये ताकत दूंगा कि तुम अपने पापों की गुलामी छोड़ो, इसकी मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और वही सही पश्चाताप होता है, उसी पश्चाताप की बात प्रभु कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि पाप का एक ही निवारण है, वो है पश्चाताप, और पश्चाताप ही हमें अनंत जीवन की प्राप्ति दिला सकता है। हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ेंगे और हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में।